नमस्कार। तो आपकी और मेरी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के दो। ये वो वक्त है जब हम यूपी की विधानसभाओं का डिजिटल रूप से निरीक्षण करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव जब मुहैने पर खड़े हैं, जब दहलीज पर खड़े हैं, तो ऐसे में माहौल क्या है, माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारे साथ आम दर्शक जुड़ते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ते हैं जो जमीनी हकीकत को हूबहू बयां करते हैं। आंकड़ों की बात नहीं होती यहां, दरअसल तस्वीरों के जरिए और जमीनी हकीकत को बताने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। संवाददाता भी हमारे साथ होते हैं और साथ ही साथ होते हैं आम दर्शक, वो आम लोग जो ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ना ही किसी राजनीतिक दल से उनका कोई लेना देना है। आम लोग आम विचारधारा, आम सोच के साथ यहां प्रस्तुत होते हैं और बताते हैं कि उनकी विधानसभा में 2017 से लेकर 2022 के बीच कितना बदलाव हुआ। ऐसे में आज जिस विधानसभा का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था यह क्षेत्र। लेकिन आज यहां पर बीजेपी ने सेंधमारी की और 2017 में यहां पर बीजेपी से विधायक बने विजय पाल जी। तो विजय पाल यहां पर बीजेपी से विधायक हैं। तो ऐसे में आज हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 2012 वाला हापुड़ और 2017 वाला हापुड़ कितना बदला, और फिर 2017 में जिन दावों और वादों के साथ हापुड़ नए विधायक को लेकर तैयार खड़ा था वो अब 2022 में कितना बदला है। ऐसे में तस्वीरों के जरिए हम एक रूप और एक रूपरेखा तय करेंगे, एक दार्शनिक आपको विचारधारा से अभिभूत कराएंगे, आपको लेकर जाएंगे हापुड़ सदर विधानसभा में, ताकि आप मानसिक रूप से हापुड़ का ये दर्शन करिए और फिर देखिए समझिए कि हापुड़ आखिर दिखता कैसा है। तो ये हापुड़ विधानसभा के दर्शन है, हापुड़ विधानसभा की तस्वीरें हैं जिनके जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि हापुड़ 2017 से 2022 के बीच कितना बदलाव महसूस कर रहा है, क्या यहाँ पर कुछ अभूतपूर्व विकास का कार्य हुआ है, या फिर बाकी अन्य विधानसभाओं की तरह ही हापुड़ की तस्वीर भी उतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी दिखनी चाहिए थी। क्या हापुड़ विधानसभा कोई अलग विकास का मॉडल लेकर आगे बढ़ रहा है, या फिर हापुड़ विधानसभा भी अन्य विधानसभाओं की तरह ही आज भी आम है। क्या हापुड़ विधानसभा को कुछ भी ऐसा मिला जिससे हम ये कह सकें कि हापुड़ विधानसभा अन्य विधानसभाओं से कुछ अलग है, या आज भी हापुड़ विधानसभा की वही तस्वीर है, कोई सूरतेहाल नहीं बदला है। तो यह हापुड़ विधानसभा का दर्शन हम आपको करा रहे थे। ऐसे हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार शर्मा भी जुड़ गए हैं, और तुषार शर्मा के साथ हमारे साथ एक आम दर्शक भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले तुषार जी, सबसे पहले हम अंदर की बात करेंगे, लेकिन ऊपरी बातें, ऊपरी सतही जो मुद्दे हैं उनको बताइए कि हापुड़ विधानसभा के लोग इस बार किस मुद्दों को लेकर चुनाव के मुहैने पर खड़े हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार हापुड़ में। देखिए मैं बता दूं कि हापुड़ विधानसभा सीट पर इस बार विकास और तो हापुड़ का इंटरेस्टिंग नहीं है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार चुनाव में हाल होने वाले हैं। हापुड़ 2012 में जिला बना, उसके बावजूद भी हापुड़ के पास अपना कोई इंटरेस्टिंग एरिया नहीं है। मेरठ के भीमखेड़ा में हापुड़ के लोगों को जाना पड़ता है। एक बड़ा मुद्दा चुनाव में भारी जाने वाला है, ठीक है। और यह जानिए, समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब बिल्कुल चुनाव सर पर आ गए हैं, तो ऐसे में नेताओं की रैलियां भी हो रही हैं, रैले भी हुए थे, ऐसे में बयानबाजी रोजाना नए नए बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इनसे कुछ फर्क पड़ता नजर आ रहा है हापुड़ में? देखिए लगातार जो है सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन हापुड़ की जनता को साधने में ये राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं वो कितने सफल हो तो को ही पता चलेगा, ठीक है। तुषार, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 2017 का हापुड़ और 2022 का हापुड़ कितना डिफरेंट है, कितना अलग है? देखिए डिफरेंस की बात करें तो पिछली बार 2017 के चुनावों में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे और मौजूदा विधायक हैं सीट से विजयपाल आरती, उनकी टक्कर इस बार पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे गजराज सिंह उनसे थी। वो इससे पहले चार बार के विधायक रह चुके हैं हापुड़ सदर विधानसभा सीट से, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया है और वो गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल आरती के सामने
गजराज सिंह इस समय मौजूद हैं, कड़ी टक्कर इस बार इस सीट पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं ये और जानना चाहता था तुषार जी कि 2017 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, तो ऐसे में क्या कैंडिडेट की वजह से रही थी और इस बार, चलिए ठीक है, कुछ कनेक्शन की समस्या आ गई है, तुषार जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन ऐसे में हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप नाम बताइएगा अपना पहले। ठीक है, तो मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन आप देख रहे हैं, यहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता और एक आम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कनेक्शन की कुछ समस्या के कारण थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ है, इसको फिक्स करेंगे फिर वापस लौटेंगे। तो मैं आज हापुड़ विधानसभा के बारे में बता रहा था, हापुड़ विधानसभा इसलिए थोड़ी सी अलग है क्योंकि 2017 में कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, मतलब जो फाइट हुई थी वो बीजेपी बनाम कांग्रेस हुई थी। 2002 की बात करूं तो बीएसपी थी, और उसके इतर अगर बात करें तो कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ भी रही है हापुड़ विधानसभा सीट, लेकिन इस बार जैसा कि अभी तुषार हमको बता रहे थे, तुषार को जरा ऑन एयर लीजिएगा डायरेक्टर साहब, तो तुषार जैसा कि हमको बता रहे थे कि इस विधानसभा में जो पिछली दफा कैंडिडेट थे कांग्रेस के वो आरएलडी में जा चुके हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा था तुषार और हमारे दर्शक भी यही जानना चाह रहे हैं कि 2017 में जो फाइट दी थी कांग्रेस ने, जो दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, क्या वो कैंडिडेट की वजह से रही थी, और इस बार जब कैंडिडेट आरएलडी में जा चुके हैं तो क्या आरएलडी बनाम बीजेपी फाइट होने वाली है? जी बिल्कुल, इस बार जो है फाइट आरएलडी बनाम बीजेपी होगी, क्योंकि जो इस बार प्रत्याशी है आरएलडी के यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो सीधा टक्कर दे रहे हैं विजयपाल आरती को, क्योंकि चार बार वो इस सीट से विधायक रह चुके हैं और विकास के कार्य कराए हैं, लोग उनका अपना वोट बैंक इस विधानसभा में है। ठीक है, विजयपाल आर्य का क्या माहौल समझ रहे हैं आप, टिकट कंफर्म हुआ है अभी? टिकट कंफर्म हुआ जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका टिकट भी कंफर्म हो चुका है और उन्होंने अभी हाल ही में नामांकन भी किया है और लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, टिकट कंफर्म हुआ है तुषार जी, अगर टिकट कंफर्म हुआ है तो मतलब पार्टी आलाकमान को ऐसा लगा है कि विधायक जी ने कुछ काम करवाया है, तभी टिकट कंफर्म हुआ है, कटा नहीं है, तो क्या काम करवाया है विधायक जी ने? देखिए, जो वर्तमान में मौजूदा विधायक है विजयपाल लाल सिंह, उनका कहना है कि हापुड़ की जनता की काफी समय से मांग थी जिला अस्पताल की, उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में हापुड़ में जिला अस्पताल का निर्माण हुआ है, साथ ही एक बड़े विद्यालय की मांग चल रही थी बुलंदशहर रोड पर, नवोदय विद्यालय का भी निर्माण उनके द्वारा कराया गया है। ठीक है, चलिए तुषार जी, निर्माण है जो ठीक है तुषार जी, आसपास हालांकि ठंड ज्यादा है, आप जो कैप लगाए हुए उसको देखकर समझ में आता है कि काफी ठंड है, लेकिन जो आसपास अगर आपके आसपास कोई लोग नजर आए तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, उनसे माहौल समझेंगे, तब तक आप थोड़ा सा वहां पर माहौल क्रिएट करिए, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरा गांव मेरा देश है, मैं नाम बताइएगा अपना। जी आप ही से बात कर रहा हूँ सुनील जी, आपकी बिल्कुल तस्वीर दिख रही है मुझे, अभी बताया गया कि आपका नाम सुनील जी है जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप ऑन एयर हैं, खिड़की पर हैं आप ऑन एयर? सर मुझे वॉइस नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, मैं आग्रह करूंगा कि आप हेडफोन एक बार हटाइएगा जरा, हेडफोन हटाइएगा जरा ये। चलिए मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ये दरअसल हो जाता है क्योंकि जब आम दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं तो काफी टेक्निकल समस्याएं भी आती हैं, और ये मैंने जो जिक्र किया कि टेक्निकल समस्याएं भी आती हैं क्योंकि आम लोगों को इतना टेक्निकल रूप से इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है कि चीजों को बेहतरी से समझ सके, तो काफी काम करना पड़ता है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार फिर बात करने की कोशिश करें और जोड़ने की कोशिश करें, लाइव में इनको लेंगे। तो ऐसे में ये जो मैंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती है जब हम आम जनता की बात करते हैं, ये निर्वाचन आयोग को भी समझना चाहिए कि जब आप डिजिटल रूप से प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो दरअसल समस्याएं कहाँ आती हैं। हम तो अपना फर्ज जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, लेकिन आम दर्शकों तक कनेक्शन बिल्डिंग कैसे करेंगे, तो ये बड़ी बात है। बहरहाल हापुड़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, और जैसा कि अभी तुषार जी मुझको बता रहे थे कि टिकट कंफर्म हो गया विधायक जी का, कामों को लेकर जब चर्चा की गई तो बताया गया है कि अस्पताल बनवाया है, शिक्षा की बात अगर करें तो बताया गया है कि विद्यालय भी बनवाया है, तो काम को लेकर तो दुरुस्त लगता है, पर्चा और खर्चा तो दुरुस्त लगता है, लेकिन क्या जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है? तुषार को ऑनर लीजिएगा, तो क्या जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है? तो हाँ, तो तुषार जी मैं यही पूछ रहा हूँ
कि आपने बताया कि अस्पताल भी है, विद्यालय भी है, मतलब कुल जमा बात यह है कि पर्चा खर्चा सब कुछ दुरुस्त है विधायक जी का, जनता कैसे एक्सेप्ट कर रही है? कुछ लोग हों आसपास तो बात करने की कोशिश कीजिएगा, और तीन पैमाने सेट करिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी, इनको लेकर पूछेगा कि क्या माहौल समझ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग इस समय हापड़ विधानसभा के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर उनसे हम बात करेंगे कि कितने संतुष्ट हैं विधायक जी के कार्यकाल में, क्या स्वास्थ्य कार्य हुए हैं और क्या उन्होंने कार्य किए विकास कार्य इस विधानसभा में। देखो ऐसा है, बीजेपी कार्यकाल में बहुत विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, रोड में हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो ढाका विजयपाल आरती जी जब से बने और जब से मोदी जी आए, मेन बात है मोदी जी के नाम पे या लोग बीजेपी से जुड़े हुए, और कानून व्यवस्था की स्थिति आज आप देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, जो सबसे पहले आप 2017 में जाते हो, फिर क्या व्यवस्था थी, आज व्यवस्था बीजेपी से रहने का आदमी है संतुष्ट है, इसमें दो राय नहीं है कि बिल्कुल बहुत बढ़िया संतुष्टि पूर्वक कार्यकाल उनका गुजरा और हम उनसे खुश। तो इनका कहना है कि ये पूरी तरह संतुष्ट है, और भी कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे तुषार जी, बिल्कुल जानेंगे, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि आप जमीन पर हैं, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, सियासत को समझते हैं, जमीनी स्तर पर हैं आप, ये बताइए कि जो कैंडिडेट 2017 में दूसरे नंबर पर रहा कांग्रेस से, वो कैंडिडेट अगर आज आरएलडी में है तो उस कैंडिडेट की पहले तो पकड़ मजबूत थी, आज वो आरएलडी में है, आरएलडी का भी वोटर उसके पास आएगा, आज वो आरएलडी में है तो सपा समाजवादी पार्टी का वोटर भी उसके पास आएगा, तो मजबूती देख रहे हैं आप, हर तरफ के वोट अगर उसके साथ आएंगे तो टक्कर होगी, घमासान होगा, क्या कहते हैं? देखिए यदि हम आंकड़ों की बात करें तो गजराज सिंह पिछली बार अभी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और विजयपाल आरपी पिछला 2017 का विधानसभा चुनाव है 15,000 वोटों से जीते थे, तो वही जो उस दौरान आरएलडी की प्रत्याशी रही थी अंजु मुस्कान, उन्हें 5,000 कुछ वोट मिले थे, तो जो आरएलडी का वोट बैंक है वो तो गजराज सिंह जी के साथ है ही है, साथ ही उनका अपना भी एक वोट बैंक है हापुड़ विधानसभा के अंदर, कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। बिल्कुल कड़ी टक्कर होगी, घमासान होगा। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बातचीत करिएगा और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या दिख रहा है जमीन पर, रैंडम लोगों को उठाइए, रैंडम लोगों से बात करिए आप, तो कुछ और भी लोग इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव के। क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्या इस बार आप जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या देखकर इस बार आप वोट करेंगे? तो विकास का ही है और शिक्षा का है, जो जयपाल लिखा बढ़िया है, तो आपके नवोदय विश्वविद्यालय जो काफी दिन से हमारे डिमांड रही है, वो विद्यालय उन्होंने लगाए हैं, आप रोड और जिस काम चला है विकास का बहुत बढ़िया बढ़िया काम चला है। ठीक है, हापुड़ में काफी समय से इंडस्ट्रियल एरिया की मांग की जा रही है, इस ओर विधायक जी ने ध्यान दिया? इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और काम चल रहा है, आने वाले टाइम में 5 साल हो, अभी 5 साल और दीजिए फिर देखिए क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया भी आएगा और भी बहुत विकास होगा। तो इनका कहना है कि एक बार फिर ये विधायक विजयपाल आरसी पर विश्वास जताएंगे और उनको एक और मौका देना चाहेंगे। ठीक है, युवा तो हो गए, तुषार जी पीछे आपके एक बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं, इनसे जरा बातचीत करिएगा, इन्होंने काफी सरकारें आती जाती देखी हैं, विधायक भी आते जाते देखे, इनसे बात करने की कोशिश करिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं ये? जी इस समय बुजुर्ग हमारे साथ है, भौजी क्या नाम है आपका? विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक है तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक है तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? काफी समय देखा है आपने हापुड़ विधानसभा का, वोट भी कई बार दिया होगा, तो इस बार क्या देख करके वोट देने वाले हैं आप? भैया विकास तो बहुत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्सव हुआ है, सड़क है, पूरी दुनिया भर के बने हैं, लेकिन जनता का विकास भी होना चाहिए, जो उधर जनता के है हुए उनको होना चाहिए, उनको भी दूर सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है, जितनी घोषणा पत्र में लिखी थी उससे कहीं ज्यादा योजना चलाई है, लेकिन बहुत सी योजना ऐसी है जो गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है, केवल लोकल ऑफिस के कारण।
बहुत सी समस्याएं ऐसे लोगों की ऐसी होती है जो लोग ऑफिस तय हो जाती है वो समस्या तय नहीं हो रही है, इसलिए जो परेशानी होती है सभी सरकार की तरफ होती है और सरकार की योजनाएं बहुत धराधर आ रही है। ठीक है, ऑलराइट, समझ गए तुषार जी। तो तुषार जी ये कहना चाह रहे हैं कि योजनाएं प्रदेश लेवल से तो चल रही हैं लेकिन जमीन तक नहीं पहुंच रही हैं। मतलब लाखों करोड़ों की जो बात होती है, ये बजट वो बजट पास होता है लेकिन गरीब की थाली में 2 रुपया का खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो समस्या है। पीछे आपके एक दुकान भी दिख रही है मुझको, उस दुकान तक जरा पहुंचेगा, वहां जाकर पूछेगा कि व्यापार का क्या हाल है, व्यापार के लेवल पर क्या चल रहा है, व्यवसायी क्या कर रहे हैं, व्यापारी जी बिल्कुल, हम इस समय ये दुकान वाले कुछ जो व्यापारी है, दुकानदार व्यापार का क्या हाल है उनसे जानने कोशिश करेंगे क्योंकि व्यापार मंडल एक अहम रोल प्ले करता है, तो व्यापारियों को जरा पूछेगा। कुछ दुकानदार इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि व्यापार का क्षेत्र जो है कितना बदला पिछले 5 साल में। व्यापार के जो नौकर शाही थी उस पर बहुत बहुत उचित लगाम लगी, कोई शक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद अभी बहुत गुंजाइश है सुधार की, आने वाले समय में आशा करता हूँ आने वाली सरकार इस तरफ ध्यान दे। इनसे एक चीज पूछेगा तुषार जी की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार लगातार दावे कर रही है कि सुरक्षा देने का काम किया गया है, पहले व्यापारी खौफ में काम करते थे, अब व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम किया गया है सरकार में, उससे कितने संतुष्ट हैं, कितने नंबर दे रहे हैं सरकार को? जी जैसे पिछली सरकारों में व्यापारी खौफ में काम करते थे, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बीजेपी ने कितना काम किया है, पूरी तरह से सफल सरकार है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, कोई खौफ नहीं है, ना कोई रंगदारी देनी पड़ती है ना किसी गुंडे का आदमी, तो अधिकारी लोग भी डराना धमकाना जैसे कार्य करते थे वो सब समाप्त हो चुका है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर कार्य। ठीक है तुषार जी, ये तो थम्स अप दे रहे हैं बीजेपी सरकार को। जी एग्जैक्टली, थम्स अप दे रहे हैं। आप दूसरी दुकानों पर भी जाइएगा, वहां भी देखिएगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनकी दुकानों पर जाकर हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मुद्दे उनके इस बार रहने वाले हैं। जी इस समय हम मौजूद हैं धर्मा मेडिकल स्टोर पे, ये मेडिकल स्टोर चलाते हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे व्यापारियों के क्या मुद्दे रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कितना काम हुआ है पिछले 5 साल के अंदर। सरकार ने काम किया है, शायद सरकार ने किया, हमारा वोट योगी जी के नाम पर जाना, बहुत अच्छा कार्य किया है और उम्मीद है कि हमारा बीजेपी। ठीक है, सबसे पहले तो तुषार जी सबसे पहले तो इन्हें हमारी तरफ से साधुवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान मेडिकल स्टोर वालों के लिए मैं कहता हूँ, जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, जो डर था खौफ का माहौल था उसके बीच भी मेडिकल स्टोर्स खोले गए, लगातार ये लोग काम करते रहे, दिन रात मेडिसिन सप्लाई करते रहे, दवाइयां बांटते रहे, इसके लिए इनको धन्यवाद दीजिए सबसे पहले, तो फिर आगे बात करते हैं इनसे। बिल्कुल, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरह से कोरोना काल में आपने आगे बढ़कर कार्य किया, धन्यवाद आपने कर दी, उसके लिए न्यूज़वर्ल्ड इंडिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जी ठीक है, आप इनसे पूछेगा कि क्या है व्यापार का हाल, क्या है, क्या समझ रहे हैं व्यापार और कोविड को भी पूछ लीजिएगा इनसे, कोविड को भी पूछ लीजिएगा, कोविड को काबू पाने के लिए सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से किस तरीके से सपोर्ट बैकअप दिया गया। जी बिल्कुल, यदि हम व्यापार की बात करें तो क्या स्थिति है, फर्क तो पड़ा है लेकिन अब महामारी है, फर्क पे पड़ा है, बड़े बड़े देश महामारी में आए हैं, सबने जो है स्थिति को झेला है और उम्मीद है अब आगे धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आगे भी वैक्सीन लग रही है तो यदि बात की जाए विधायक जी जो है विजयपाल लाल सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर कितना काम किया है हमारे हापुड़ के अंदर, जिला योजना, जिला अस्पताल बनाना जो कि बहुत जरूरी था और ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन की काफी कमी देखी गई थी दूसरी लहर के दौरान, इस बार यदि तीसरी लहर में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं?
सरकार देख रही है और अरे हो रहा है। चलिए ठीक है तुषार जी। चल हाँ तुषार जी, अब हम आप वन टू वन बात करेंगे क्योंकि आप हकीकत बयां करेंगे जमीन की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सड़कों का क्या हाल देख रहे हैं आप? हापुड़ में सड़कों का क्या हाल है? सड़कों के यदि हम हाल की बात करें तो हापुड़ का जो वजीरपुर मार्ग है 15 किलोमीटर का रास्ता है वो, और उस पर पिछले कई सालों से जो स्थानीय लोग थे वो उस सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे। काफी हादसे भी सड़क पर होते थे, कई गांवों को सड़क जोड़ती है, आवागमन भी लोगों का पूरा दिन रहता है, लेकिन पिछले 15 साल से जो लोग हैं वो सड़क की मरम्मत की और निर्माण की मांग कर रहे थे लेकिन किसी ने नहीं सुने। लेकिन विजयपाल आरसी के कार्यकाल में उस सड़क का निर्माण कराया गया है, कई करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण हुआ जिससे स्थानीय लोगों को काफी सुविधा हो रही है, आवागमन काफी आसान हो गया है। ठीक है, क्राइम रेट की बात करें, थानों चौकियों में जो मुकदमेबाज लिखे जाते हैं वो बताते हैं कि 2017 से पहले गुंडागर्दी बहुत थी, तो हर विधानसभा में हम ये बात जरूर उठाते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही सबसे हॉट टॉपिक बनता है कि सपा की सरकार के दौरान गुंडागर्दी चरम पर थी, माफियागिरी चरम पर थी। तो 2017 के बाद आज जब 2022 का चुनाव सामने खड़ा है तो इस पर क्या लगाम काबू देख रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, देखिए जैसे योगी सरकार का कहना है कि गुंडे जो है या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या वो दुनिया छोड़ चुके हैं। लगातार पुलिस का, हापुड़ पुलिस का भी ऑपरेशन क्लीन जारी है और जो आपराधिक मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज की गई है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो ये है कि बेरोजगारों की बड़ी बात उठ रही है इस बार। बहुत कहा जा रहा है कि बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी का जो चार्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है वैसे कहा जा रहा है कि बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो भी चढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो बेरोजगारी क्या मुद्दा है हापुड़ में? जी बिल्कुल, बेरोजगारी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हापुड़ में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी के नाम पर केवल हापुड़ के अंदर मेरिनो इंडस्ट्री यानी कि सेंचुरी नाम की फैक्ट्री है जहां पर नौकरी की बात युवा करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया यदि हापुड़ में स्थापित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार की जो किल्लत है उससे कहीं ना कहीं युवाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज भी युवाओं को दिल्ली जाना पड़ता है, पलायन आज भी है। बिल्कुल, हापुड़ के जो युवा है उन्हें दिल्ली नोएडा की तरफ रुख करना पड़ता है रोजगार के लिए। हापुड़ में रोजगार के ऐसे कोई इंतजाम नहीं। ठीक है, इस पर काम नहीं किया गया। अब अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा शिक्षा का। शिक्षा को लेकर हालांकि आपने बताया कि विद्यालय बनवाने का काम किया है तो शिक्षा का स्तर सुधरता देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हापुड़ में पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर काफी सुधरा है। नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है और भी जो कुछ विद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई है बीजेपी के कार्यकाल में, तो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले हम बात करें तो पहले के मुकाबले काफी सुधार हुआ है शिक्षा के स्तर पर। ठीक है, कोविड 1, कोविड 2 और अब ओमिक्रॉन, पहली वेव थी उससे लड़ाई बहुत भीषण रही, दूसरी वेव थी उससे तो जंग रही, तीसरी वेव की बात चल रही है, तो ये बताइए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या हापुड़ में सुचारू रूप से काम कर पाई या फिर धड़ाम हो गई, कोलैप्स कर गई? देखिए जैसे हापुड़ जनपद है, हापुड़ दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद से सटा हुआ जिला है, वहां आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए कैसे महामारी एकदम मारामारी की माहौल हो गया था, लेकिन हापुड़ में ऐसा कुछ नजारा नहीं देखने को मिला था। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार इनके द्वारा काम किया गया था इस सेक्टर में, इस बार भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, सभी जो सीएचसी पीएचसी में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और कंसंट्रेटर की बात करें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो छोटे पीएचसी होती है ग्रामीण इलाकों में उन पर भी ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं हापुड़। जी शर्मा जी, अपना कुछ एनालिसिस बताइएगा थोड़ा, क्योंकि आप खबरों के बीच में ही रहते हैं दिन रात सुबह शाम, आप खबरों के बीच में रहते हैं, हापुड़ में खबरें क्या कुछ कह रही है? कोई ऐसा बड़ा नेता, क्योंकि हम कई जगहों पर देखते हैं कि चुनावों से एक दो साल पहले कुछ ऐसे नेता अचानक से प्रकट होते हैं जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या तो वोट कटवा की भूमिका में आ जाते हैं या फिर काफी वोट पा जाते हैं और काफी अन्य लोगों का खेल बिगाड़ देते हैं, तो ऐसे में कोई नया चेहरा, कोई नया नाम जो इस वक्त माहौल में हो ब्लास्टिंग पोजिशन पे हो? बात करें जी बिल्कुल, इस बार इसके लिए हम बात करेंगे जो बीएसपी के इस बार प्रत्याशी हैं मनीष उर्फ मोनू भैया, तो वहीं वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में गजराज सिंह और विजयपाल आरसी का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी माहौल जो है
वो तो है ही है। और आपने जब तक, मैं अभी सोच ही रहा था कि यूपी विधानसभा की जब भी हम चर्चा करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, एक ना एक कैंडिडेट, एक ना एक प्रत्याशी, एक ना एक आवेदक जो होता है, वो कहीं ना कहीं भैया जरूर होते हैं, और जब तक भैया नहीं आते चुनाव पूरा संपूर्ण नहीं होता। ठीक है तुषार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस शानदार तरीके से आपने पूरा जो हापुड़ का गुणा गणित हमको समझाया, जो जमीनी हकीकत दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। तो हापुड़ की आज हम बात कर रहे हैं, हापुड़ विधानसभा की बात इसलिए दरअसल जरूरी हो जाती है क्योंकि हापुड़ एक तो बहुत ज्यादा करीब पड़ जाता है गौतम बुद्ध नगर से, ये समझ लीजिए, और दूसरी चीज ये है कि हापुड़ एक कांग्रेस का गढ़ था एक जमाने में, लेकिन उसके बाद इस पे सेंधमारी करी, किला फतेह करने का काम किया 2017 में बीजेपी ने। मतलब ये वो सीट है जो बिल्कुल नील पड़ी थी, जहां पर सूखा था, लेकिन बीजेपी ने यहां पर भी अपनी फसल उगा दी। तो क्या इस बार फसल कट जाएगी या फिर एक बार फिर बीजेपी की फसल यहां लगेगी, इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे डिजिटल रूप से। ये निरीक्षण है, मैं बार बार कहता हूं ताकि आप लोग घर पर बैठकर इसको समझ सके, देख सके कि इस विधानसभा में, मसलन आपकी विधानसभा में, पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूं, पूरी विधानसभा में हाल क्या है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।